ट्रेडिंग धारावाहिक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे डेड कैट बाउंस फिनोमेना के बारे में। ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग पैटर्न होता है, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, लेकिन आजकल इसको हर कोई नॉर्मल चीज़ों के लिए भी बोल रहा है। ये तो डेड कैट बाउंस है, लेकिन होता क्या है? आज मैं आपको एकदम पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस में डेड कैट बाउंस एक पैटर्न होता है वो क्या होता है उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर करूंगा, उसके बाद तो स्टॉक के चार्ट में दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी और मज़ा आएगा। कुछ नया है, सैटरडे को नई चीज़ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम डेड कैट बाउंस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको समझना होगा इसमें गैप का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इनफैक्ट ज़्यादातर बार हमें देखा जाता है कि यहाँ पर दो गैप के फॉर्मेशन होते हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिकली बताऊँ तो इसमें ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन होता है, और बड़े ब्रेक अवे गैप होते हैं 8 से 10% से भी ज़्यादा बड़े। इनफैक्ट अगर आपको ब्रेक अवे गैप नहीं पता है, रिसेंटली मैंने पूरी मास्टर क्लास बनाई है गैप ट्रेडिंग पे, जहाँ पे ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉस्टन गैप, सारे गैप को बहुत डिटेल में चर्चा की और आपको एग्जाम्पल दिए हैं चार्ट्स पे दिखा के कि किस तरह से गैप की ट्रेडिंग होती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको गैप ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है। लेकिन अभी हम डेड कैट बाउंस की बात कर रहे हैं। डेड कैट बाउंस में दो गैप होते हैं और दोनों ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात है, जो पहला ब्रेक अवे गैप होता है वो फुलफिल नहीं होता, यानी प्राइस उस पहले गैप को भर नहीं पाता है। हो सकता हो अभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो, इसीलिए मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले ABCD तो बता दूं कि क्या क्या फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट है कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। आप डाउ थ्योरी से जानते हो दो तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, एक होते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और एक होते हैं आपके रिवर्सल पैटर्न्स। जिन्हें नहीं पता है मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, वेयर एज रिवर्सल पैटर्न आपके ट्रेंड को ख़त्म करते हैं। आपने कई सारे रिवर्सल पैटर्न का नाम सुना होगा, डबल बॉटम, डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे रिवर्सल पैटर्न हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न का भी आपने ज़्यादातर नाम सुना होगा, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, उसके बाद फ्लैग पैटर्न। इनफैक्ट डेड कैट बाउंस पैटर्न भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। और इसमें फाइनल चीज़ है कि एक इन्वर्टेड डेड कैट बाउंस भी होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, मतलब शायद ही, मैंने तो कभी नहीं देखा इन्वर्टेड डेड कैट बाउंस फिलहाल, या कभी ट्रेड नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन डेड कैट बाउंस उससे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इतना भी कॉमन नहीं है जितना हम लोग यूज़ करते हैं। आइए चार्ट पे दिखाता हूं। इसका फॉर्मेशन हुआ था आपके यस बैंक में। अब आप कहोगे कि इतना पहले जाने की जरूरत क्या है? उसका रीजन यह है कि डेड कैट बाउंस में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रेक अवे गैप बहुत बड़ा होना चाहिए, 8 से 10% का। इतने बड़े ब्रेक अवे गैप को पाने के लिए आपका कुछ ना कुछ न्यूज का सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए ज्यादातर चीजों में जब आपको यह गैप बनता हुआ दिखेगा तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन होगा। जैसे यस बैंक के केस में देखा गया था अक्टूबर के मंथ में, जब इस बैंक में बहुत ज्यादा NPA बढ़ गए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे डेड कैट बाउंस एग्जैक्टली हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र डालिए, एक मिनट मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ एक मिनट, हाँ ये आपका पहला ब्रेक अवे गैप है। इनफैक्ट अगर इस ब्रेक अवे गैप को आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा ब्रेक अवे गैप है, लगभग 10% का ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रेक अवे गैप बना, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर इसने डेड कैट बाउंस दिया है उसको देखने के लिए आप थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड था, ब्रेक अवे गैप दिया, ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, लेकिन थोड़ा सा आगे आप यहाँ पर देखोगे एक और गैप का फॉर्मेशन हुआ। देखने में ये गैप आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये गैप सिग्निफिकेंट है। ये लगभग 7% का गैप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये दूसरा आपका ब्रेक अवे गैप है। इनफैक्ट इसी गैप के बाद ये जो रैली आपको देखने को मिल रही है ना, ये रैली कहलाती है ओवरऑल डेड कैट बाउंस रैली। और उसके बाद आप देखिए ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही फिर से स्टॉक गिरने लगा था। इस तरह से कई रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। आप कहते हो ना फॉल्स ब्रेकआउट कब पता चलता है, एक तरह से डेड कैट बाउंस आपका फॉल्स ब्रेकआउट को बताता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, आप ये देखो,
स्टॉक पहले हल्का सा गिर रहा था, फिर ब्रेक अवे गैप हुआ, ये मेजर फिनोमेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। पहला गैप आपका 8 से 10% का बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये गैप के बाद स्टॉक नीचे गिरा, फिर आप देखोगे डेड कैट बाउंस किसे कहते हैं, जब सेकेंड ब्रेक अवे गैप पर रिवर्स करने की कोशिश करता है वो ट्रेंड को। मेजर ट्रेंड है डाउनवर्ड, लेकिन सेकेंड ब्रेक अवे गैप में उसने ऊपर तेजी करने की कोशिश की और यही तेजी आपको फंसाती है, ये होती है आपकी डेड कैट बाउंस। और इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं, और कई लोग इस पे ट्रेड भी करते हैं अगर पहचान लेते हैं, लेकिन मैं जो कार्य करता हूँ डेड कैट बाउंस से बच के रहता हूँ। यानी कभी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आपको दो ब्रेक अवे गैप देखने को मिलते हैं और सेकंड ब्रेक अवे गैप ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वो आप समझ लो एक डेड कैट बाउंस है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जैसे ये आपका ब्रेक अवे गैप बनता है सेकंड वाला, आप देखो उस दिन तो वॉल्यूम बहुत ही हाई रहता है एक तरह से फ्लैग पैटर्न जैसे, लेकिन उसके बाद ये वॉल्यूम कंटिन्यूअसली यहाँ से आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो बताता है कि ये रैली सस्टेन नहीं होगी। इस तरह से आप भी पहचान सकते हो डेड कैट बाउंस, और ये है इसका बेसिक फिनोमना। नॉर्मली थोड़ा सा भी कहीं से बाउंस आता है तो हम लोग कह देते हैं इट्स अ डेड कैट बाउंस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ट्रेडिंग पैटर्न है, इसके पीछे टेक्निकल एनालिसिस है, और ये चीज़ मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। इनफैक्ट एक और स्टॉक हमारे यहाँ नहीं, ये यूएस के मार्केट में मेटा को आप देखोगे, जिसे आप फेसबुक कहते हो, फेसबुक में भी एक डेड कैट बाउंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देखो ये पहला आपका ब्रेक अवे गैप आया, ये ब्रेक अवे गैप भी आपको देखने को मिला फंडामेंटल रीजन से निकला था, और कितना बड़ा गैप है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप है, ये तो यस बैंक से भी बड़ा गैप है, आप देख सकते हो लगभग 25% का गैप है। तो इनक्रेडिबली बिग आपको पहला ब्रेक अवे गैप देखने को मिला, वहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, लेकिन आप यहाँ से हल्का सा देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रेक अवे गैप ट्रेंड के रिवर्स डायरेक्शन में देखने को मिला, और ये 10% का ब्रेक अवे गैप था। ये देख कर रिटेल निवेशक कई लोग फंस जाते हैं कि इतना बड़ा गैप हुआ है, हो सकता है आप तेज़ी हो, और उसके बाद आप देख सकते हो ट्रेंड का फिर से कंटिन्यूएशन हुआ, दिस इज अगेन अ फॉल्स ब्रेकआउट, दिस इज अगेन अ डेड कैट बाउंस। तो आप भी इसको समझ के इस तरह के गैप में जब भी डेड कैट बाउंस होता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप इस बाउंस में फंस जाओगे, इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में पेटीएम मनी का एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप नया डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसको ज़रूर देखें। और जिसने भी गैप ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।